अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब की फैमिली अच्छी होगी और हम भी अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी, आज हम जा रहे हैं दावत पर और हम रास्ते में हैं, तो मैं बना रही हूँ आज का व्लॉग दोपहर से। तो वहाँ जाकर मिलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ, तो मिलते हैं वहाँ पर। तो जी, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और आज एंजॉय बहुत करने वाले हैं, तो हमारे साथ रहिए। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो आज व्लॉग बनाने में मज़ा भी बहुत आएगा। और ये है कुछ गांव का इंटरफेस, नहायत ही साफ़ सुथरा और सादा सा, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बहुत मिट्टी होती है यहाँ पर। तो मिट्टी तो खैर गांव में होती ही है, मिट्टी के बगैर गांव तो गांव नहीं ही होता। लेकिन चलिए, आज हम जा रहे हैं बाहर। तो जी, ये बाहर इन्होंने दूसरा मकान तैयार किया हुआ है जिनके घर हम दावत पर आए हैं, और ये साइड पर इनकी खेत है। तो ये आप देख सकते हैं कि हवा बहुत चल रही है और ये आप देखें इसको। ये इसको जैसे ये पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये मॉडलिंग करने लग पड़ा है। वैसे मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो आज का मौसम बहुत ही अच्छा है और उम्मीद है कि आज से ठंडक भी स्टार्ट हो जाएगी। हवा बहुत तेज है। तो जी, हम आ चुके हैं घर के पास और ये इन्होंने कुछ माल वगैरह रखा हुआ है और इसके साथ गाय हैं और पीछे बकरी भी बैठी हुई है। तो बच्चे तो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं आज। तो व्यूवर्स, हम आ चुके हैं घर के अंदर और ये कमरों के आगे हाल नुमा बरामदा बना हुआ है। गांव में ऐसे ही बरामदा तैयार होता है नहायत खूबसूरती से और नहायत सादगी से। तो जी, हम जाते हैं थोड़ा सा बाहर क्योंकि कमरे में आपको दिखा नहीं सकती, यहाँ पर अलाउड नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इनके कमरे की वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो थोड़ा सा बाहर का एरिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर गैस नहीं है, तो ये इन्होंने बनाया है बाहर चूल्हा नुमा मिट्टी का, यहाँ पर भी आग जलाते हैं। और ये अंदर थोड़ा सा स्टोर सा बना हुआ है और ये इसके साथ ही किचन है। तो सर्दियों में अंदर बनाते हैं खाना और रोटी वगैरह, और गर्मियों में बाहर बनाते हैं क्योंकि गर्मियों में कमरा काफ़ी गर्म हो जाता है। गर्मा बोल रही थी। तो जी, हम जाते हैं ऊपर और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमारे आते साथ ही मौसम कितना प्यारा हो गया है। तो जी, हम ऊपर आ चुके हैं और ये गांव का मंज़र नहायत ही खूबसूरत है। ये मंज़र मुझे बहुत अच्छा लगता है, यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो जी, ये बच्चे मेरे पीछे फिर आ गए यहाँ पर, और चलें कोई बात नहीं है। तो जी, ये नीचे की साइड है और बहुत सर्दी लगने लग पड़ी है यहाँ पर, और कपड़े उड़ रहे थे, दुपट्टा भी उड़ रहा था, कपड़े तो किसी तरीके से संभाल ही लिए। तो जी, ये खेत हैं इनके पास ही क्योंकि यहाँ पे उन्होंने गंदम बोई हुई है और मूंगफली भी बोई हुई है। ये पालक है, ये पालक है, ये पालक है ना, और वो साथ वो थूम है, थूम। और वो उधर वो आगे जो है वो भी थूम है, उसके आगे पालक है। अच्छा। ये सारी और ये जो साइड पे ये तो तोरियां हैं, तोरियां। अच्छी तोरियां हैं, इनके घर में भी है। वो केले वाला बूटा, ये ड्रैक है, मिट्टू वाला है, वो वाला वो पीछे जो वो ये केले का है ना, केले के साथ जो पीछे जो है ये पीछे। ये बेल किस चीज के ऊपर गई हुई है? ये हम हैं और ये हेल्प पार्टी
तो जी हमारा व्लॉग यहाँ पर इख्तिताम पर पहुँचता है और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो दुआओं में याद रखें। और जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।